देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का एक चैप्टर है आकृतियों की गिनती करना, ठीक है, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, ठीक है, गोले, इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं दिया जाता है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, आयत की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज त्रिभुज निकालना, ठीक है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, एक आकृति दी गई है आपको, इस तरह से आकृति दी गई है और क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह से जब भी कोई आकृति आपको दी जाएगी तो आपको कैसे ज्ञात करना है, हम इसकी नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से नंबर करके, और सिर्फ हमें इसे ऐड करना है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ठीक है। तो दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 10, ठीक है, जिस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 10। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, एक और बड़ा सा लेते हैं थोड़ा, इस बार पूछा है, सेम क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, सेम लाइनें खींची हुई हैं, हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, दूसरा काम इन्हें ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करने पे कितना आएगा बताओ, यहां तक कितना आ रहा है, 10, 5 और हो गया कितना हो गया, 15, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो दी गई आकृति में बोलो कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, 15 त्रिभुज, कितने 15, ठीक है। इस तरह से जब भी कोई आकृति दी जाए आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ देखना है, नंबरिंग करनी है और इन सबको जोड़ देना है, तो इस त्रिभुज में टोटल कितने हैं, 15 त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें ये बीच में एक और लाइन खींच देगा, ठीक है, सेम इसके ऊपर एक और लाइन खींच देगा, और फिर वो पूछा गया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, तब भी हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, टोटल जोड़ा कितना आ रहा है, 10, जितना यहाँ है 1, 2, 3, 4, इससे नीचे का भूल जाओगे तो सेम यहाँ कितना 10, यानी जितने नीचे हैं उतने ही ठीक ऊपर है, तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 20, ठीक है, कितने त्रिभुज, 20। अभी इसमें एक और लाइन खींच दो, एक और खींच दो ऊपर, यहाँ कितने हैं 10, यहाँ कितने हैं 10, यहाँ कितने हो जाएंगे 10, तीनों में कितने हो जाएंगे इसमें 30 त्रिभुज। तो पूछा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 30 त्रिभुज, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस तरह की आकृतियां जब भी दी जाए हमें और त्रिभुज ज्ञात करने का हो तो क्या करना है, सिर्फ नंबरिंग करनी है हमें और नंबरिंग करके उसे जोड़ देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो लाइन है इसने पूरा नहीं खींच रखा, एक यहां से दे दी, ठीक है, दूसरी लाइन सिर्फ यहां तक दे दी, और पूछ रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें क्या करना है, बस सेम क्वेश्चन है, काउंटिंग करनी है, ठीक है, नंबरिंग की 1, 2, 3, 4 कितना हो गया, 10, 1, 2, 3 कितना हो गया, 6, 1, 2, 3 कितना हो गया, 6, 1, 2 सिर्फ इन्हें जोड़ना है, नंबरिंग करना है और जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 6 और 3 9, इधर कितना, 10 और 6 16, कितना हो गया, 16 और 9 बताओ 25, ठीक है। तो दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 25 त्रिभुज हैं, ठीक है। हमें इसे कहां से पकड़ना है, बेस लाइन से, ठीक है, यहां नंबरिंग करी, यहां 3 तक है तो सिर्फ 3 तक, यहां भी 3 तक है, यहां 2 तक है, जितना बेस है उतनी नंबरिंग करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, कितना हुआ 15। 1, 2, 3, 4, 10 1, 2, 3, 4 कितना हो रहा 10 ठीक है। 1, 2, 3 कितना हुआ 6। 1, 2, 3 कितना हो रहा 6 ठीक है। सिर्फ नंबरिंग करनी है बेस पे और इन्हें जोड़ देना 10 और 6, 16 15 और 10, 25 25 और 6, 31 कितना हो गया 6 और 1, 7 3 और 1, 4 टोटल कितने त्रिभुज दी गई आकृति में 47 त्रिभुज। बेस लाइन को पकड़ना है, नंबरिंग करनी है और जोड़ देना है सिर्फ ठीक है। तो कितने त्रिभुज हैं इसमें 47। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें भी नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4 लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या है, ये जो लाइन है वो कोने से उठ रही है ठीक है, इसमें यहाँ बीच में से जा रही है। इसे कैसे करना है हमें, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ 10 ठीक है। अगली बार क्या करना है, एक छोड़ देना है तो 2 + 3 + 4 + 5 बताओ कितना हो रहा है 5 और 4, 9 9 और 3, 12 12 और 2, 14 ठीक है। कितनी बार करना है हमें ये 1, 2, 3 एक बार और करना है ठीक है। इस बार 2 छोड़ देंगे तो 3 + 4 + 5 + 6 6 और 4 10 10 5 15 15 और 3 18 ऐसे जोड़ना 8 और 4 12 यहाँ से ले 1, 2, 3 और 1, 4 ठीक है। तो दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 42 त्रिभुज हैं ठीक है। डिफरेंस क्या है, इसमें ये जो लाइन है वो कोने से उठ रही है, इसमें जो लाइन है वो बीच में से जा रही है ठीक है। तो इस तरह का त्रिभुज है तो इस तरह काउंट करेंगे और ऐसा है तो सीधे बेस से काउंट करेंगे ठीक है। एक और दूसरा क्वेश्चन देते हैं सेम है सर। वो कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है। सेम क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 हमें क्या करना है, यहां से ये नंबर उठाने और सिर्फ जोड़ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया 15 ठीक है। दूसरी बार क्या करना है, एक छोड़ देना है 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ठीक है। कितना हो गया 6 और 4 10 और 5 15 15 और 5 20 ठीक है। फिर क्या करना, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 3, 10, 10 और 5, 15, 15 और 4, 19, 19 और 6, 25 ठीक है। 25, 6 और 4, 10, 7 और 3, 10, 10 और 10, 20 और 5, 25 कितनी बार करना है, 1, 2, 3 ठीक है। इन्हें जोड़ देना सिर्फ 5 और 5, 10 1, 2, 4, 5 और 1, 6 ठीक है। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 60 त्रिभुज है ठीक है। इस तरह से काउंट करना है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। एक छोड़ते हुए आएंगे हर बार, सेम काउंट करना है ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो कौन सा बनता है, ये देखिए ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह की आकृति दी जाएगी आपको, ये ठीक है। और पूछ रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी हमें इस तरह की आकृति मिले जिसके विकर्ण मिले हुए हैं दोनों ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं, ये जो है ये मिले हुए हैं ठीक है। तो जैसे ही ये मिले हुए तो हमें नंबरिंग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, नंबरिंग करनी है और ठीक इसका डबल कर दो तो कितने त्रिभुज हैं इसमें 16 है ठीक है। इसमें देखो विकर्ण मिले हुए हैं 1, 2, 3, 4 4 × 2 = 8 तो कितने त्रिभुज हैं 8 दी गई आकृति में
आठ त्रिभुज है, ठीक है। इतना देखना था इसमें बस, जब भी इस तरह की आकृति दे जिसके विकर्ण मिले हुए हैं, जिस तरह से नंबरिंग करनी है और ठीक उसका डबल कर दो, ठीक है। जैसे दूसरा विकर्ण मिले हुए हैं, पूछ रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात का दोगुना कर दो, ठीक है। कितना आएगा, चौदह, सात दोनों चौदह, ठीक है। जब भी इस तरह की आकृति हो जिसके विकर्ण मिले हुए हो, इस तरह से नंबरिंग कर रहे हो, ठीक उसका डबल कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसी में क्या करता है वो, दो को इन्हीं दो आकृतियों को एक साथ मिला के लिख सकता है, ठीक है। जैसे पूछा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। विकर्ण मिले हुए हैं देखो, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितना हुआ सोलह, सेम यहां हो जाएगा सोलह, तो कितना हुआ बताओ, सोलह और सोलह बत्तीस, ठीक है। लेकिन इन दोनों को पास में लिखने से, यानी इन दोनों के मिलने से भी तो कुछ त्रिभुज बनेंगे कि नहीं, ये देखो पहला कौन सा बन रहा है, एक तो ये बन रहा, ठीक है, दूसरा एक ये बन रहा, कितने हुए दो, उसके बाद दो बड़े वाले बनना है, एक ये बनना है, दूसरा ये बनना है, यानी इन दोनों को मिलाने से टोटल जॉइंट पर कितने त्रिभुज बनना है, चार और नए त्रिभुज बनना है, ठीक है। तो चार और ऐड हो जाएंगे, बत्तीस और चार छत्तीस, यानी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, छत्तीस, ठीक है। सोलह इसमें, सोलह इसमें, चार इन दोनों को मिलाने से, ठीक है। एक और अगर इधर हम बढ़ा देते हैं तो कितना होगा, सोलह उसमें हो जाएंगे और चार एक ज्वाइंट पे हो जाएंगे, यानी जितने भी नए होंगे एक में सोलह हर ज्वाइंट पे चार, ठीक है। तो इस तरह से जब भी त्रिभुज आकृति देगा और त्रिभुज ज्ञात करने को देगा, हमें क्या देखना है कि आकृति के विकर्ण मिले हुए हैं कि नहीं है, जहां विकर्ण मिले हुए हैं ठीक वही उसका डबल कर देंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। जब भी त्रिभुज ज्ञात करने हो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे, ठीक है।